नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके के न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पशु हैं, जो गाय या भैंस होती है, उनको खांसी वगैरह हो जाने पर या खांसी होती है, जुकाम वगैरह होने के जो खांसी होती है, वो सबसे बुरा जो है रोग है हमारे पशुओं में, उनको खांसी वगैरह होने से। तो आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे, क्यों हमारे पशुओं में जो खांसी की समस्याएँ उत्पन्न होती है, इनके लक्षण क्या हैं, इनका इलाज क्या है, सभी बातों पर हम आज डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खांसी है हमारे गाय या भैंस पशु हैं, उनको होती क्यों है। तो इसका मुख्य लक्षण, जो कारण है जो खांसी होने का, वो ये है कि जो हमारे जो पशु हैं, किसान भाइयों हम बात करते हैं कि जो हमारे पशु को खांसी है वो होती क्यों है। तो जो उनकी श्वास नली है, उनको क्षति पहुंचने पर जो है ये खांसी का जो रोग है, वो हमारे पशुओं में अक्सर देखा जाता है कि उनकी अगर श्वास नली को कोई अंदर ही क्षति पहुंचती है तो उनको खांसी शुरू हो जाती है। और या तो वृद्ध, जो हमारे बड़े पशु होते हैं, जो वृद्ध पशु होते हैं, उनको प्रायः जैसे हम अगर गीले स्थान पर बांध देते हैं, या वो बरसात का मौसम है तो भीग जाते हैं, या कुछ खान पान में या उनको कुछ हो जाता है, तो प्रायः ये खांसी की जो समस्या है हमारे पशुओं में उत्पन्न हो जाती है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं इनके लक्षण की कि हम कैसे जाने कि हमारे पशु को जो है खांसी की समस्या है। तो इसका जो सबसे पहला और मुख्य लक्षण जो है हमारे पशुओं में, वो तो है खांसना, कि बार बार वो खांसता है। दूसरा लक्षण है कि जब वो सांस लेता है तो खर्र खर्र की आवाज़ आती है पशु के मुंह से। जैसे ही वो सांस लेता है तो खर्र खर्र की आवाज़ आपने प्रायः देखा होगा। और तीसरा जो लक्षण है कि वो हमारा जो पशु है जिसको समस्या है, वो खाना पीना त्याग देता है। इसका मुख्य लक्षण जो है कि रोगी पशु जिसको ये समस्या है, वो हाँपता है। हर थोड़ी थोड़ी मिनट में आप देखेंगे थोड़ी देर में कि वो हाँप रहा होता है, इसका ये मुख्य लक्षण है। तो अब बात करते हैं कि इसके इलाज की, कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज है कि हम अपने पशु को जिसको खांसी की समस्या है, उसको जो है जो गंधक आता है उसकी जो है धुनी हम अपने पशु को अगर देंगे, जो कंडे गोबर के उपले वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो हम गंधक की धुनी अगर अपने पशु को देते हैं, तो उसको जो है खांसी की समस्या समाप्त हो जाती है। सबसे पहला औषधि है। और हमारे अनार जो होता है, अनार के जो छिलके होते हैं, खाने वाला अनार है, उसके जो छिलके होते हैं, उसको अगर हम मक्खन के साथ अपने पशु को दें तो इससे भी उसको खांसी में जो है बहुत राहत मिलती है। और तीसरा जो है वो है कि नौसादा, सौंठ और अजवाइन, अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम अपने पशु को जो है 250 ग्राम पानी के साथ मिला करके अगर पिलाते हैं, तो इसमें जो है पशु की खांसी में बहुत राहत मिलती है पशु को। जी हाँ दोस्तों, नौसादा, अजवाइन और सौंठ, इन तीनों चीज़ों को जो है पानी के साथ मिलाकर पिलाने से, तो ये तीनों नुस्खे जो है खांसी के लिए बहुत लाभकारी हैं। और कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, कि जैसे हमारे जो पशु है जिसको खांसी वगैरह है, तो उसको जो है हमारे लिए जो है गर्म पानी जो है दोनों टाइम देना चाहिए। पीने के लिए जो है गर्म पानी दें, कुनकुना पानी दें, उसको जो है सूखी घास दें, गीली घास, जो हरा चारा बिल्कुल ना दें, उसको सूखी घास दें। उसको जो है सर्द स्थान पर, यानी कि गीले स्थान पर बिल्कुल ना बांधें, साफ स्थान पर बांधें, सूखे स्थान पर बांधें, जहाँ पर उसको ज़्यादा ठंड भी ना लगे और ना ज़्यादा गर्मी लगे, और ज़्यादा देर तक धूप में भी उसको ना रखें अपने पशु को जिसको ये खांसी की समस्या है, जुकाम वगैरह है, उसको गर्म ये धूप में ज़्यादा देर ना रखें। ये सभी सावधानियों, ये सभी लक्षण अगर आपके पशु में हैं, और तो हमारे लिए जो है मैंने आपको जो औषधि बताई है उससे आपको लाभ होगा आपके पशु को। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। धन्यवाद।